गया टिटनेस का सुई ज्ञान ही बाहर चलाया। पूछ लेते हो बस मिजाज मेरा, पूछ लेते हो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। जी हाँ, इलाज आसान था। आसान इसलिए क्योंकि गंभीर रूप से घायल केशव कुमार को जरूरत थी बस एक टेटनस इंजेक्शन की। लेकिन भागलपुर के नौगछिया स्थित अनुमंडल अस्पताल में तो टेटनस के इंजेक्शन तक मौजूद नहीं थे। फिर क्या था, पहले से ही गुस्से से लाल केशव के परिजनों को जब यह बात पता चली कि अस्पताल में टेटनस का इंजेक्शन तक नहीं है, तो उनका गुस्सा सातवां आसमान पर पहुंच गया। लेकिन महान शायर गालिब ने कहा है कि दुख देखकर भी सवाल करते हो, दुख देखकर भी सवाल करते हो, तुम भी गालिब क्या कमाल करते हो। इसके बाद अस्पताल परिसर में हंगामा कर रहे परिजनों को केशव का दर्द देखा ना गया और वे तुरंत ही बाजार की तरफ दौड़े, जहां से उन्होंने टेटनस का इंजेक्शन लिया, जिसके बाद केशव का उपचार हो सका। उनको लेटाया गया। हाँ, उसके बाद सुई के लिए क्या बोला गया आपको? सुई के लिए बोला गया टिटनेस का सुई ज्ञान ही बाहर चलाया जाए, मेरा दोस्त लोग जब गए बाहर चलाया जाए। वही जब इस मामले में अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर विनय कुमार से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त कुछ इंजेक्शन और दवाइयां उपलब्ध नहीं है। जब अस्पताल की बदहाल व्यवस्था के बारे में डॉक्टर विनय से प्रश्न पूछे गए, तो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगाते हुए बदहाल व्यवस्था का ठीकरा मैनेजमेंट पर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट से दवाई और इंजेक्शन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ता। हालांकि अस्पताल मैनेजमेंट पर ठीकरा फोड़कर डॉक्टर विनय तो खुद को संभाल लिया, लेकिन यहां बात लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में हमने अस्पताल के प्रबंधक यानी मैनेजर राजू प्रधान से इस बारे में जानकारी लेनी चाही। तो उन्होंने एक परिपक्व राजनेता की भूमिका निभाते हुए कहा कि उचित दवा ऐसी होती है जो हमारी फीडबैक के बारे में अस्पताल प्रबंधन के बारे में जानकारी है, यहाँ पे दवाई है क्या नहीं है? वो PSC सप्लाई होता है। किसी को आपातकाल की स्थिति हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, बाहर से दवाई मंगवाएंगे आप? नहीं, जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगा वो तो करेंगे ही। नहीं, डॉक्टर साहब के पास था जो आप लोग बात कर रहे थे, उन्होंने साफ कहा कि टीटी नहीं है, और जो भी मेडिसिन हैं इमरजेंसी में वो फर्स्ट ऐड करने के बाद जो भी एक खुराक होता है वो दे दिया जाता है, और लंबे समय तक खाने के लिए 3 दिन या 6 दिन जो भी है उसके लिए OPD कॉन्ट्रैक्ट कटा के नेक्स्ट डे उसको लिया। जो दवाई उपलब्ध नहीं है उनकी सूची बनाकर भेजी जा रही है और वह जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर जो मामला उठा था उसे दबा दिया गया, क्योंकि जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन्होंने आश्वासन दे दिया, तो ऐसे में हमने अस्पताल की व्यवस्था को अलग पैमाने पर परखने की कोशिश की, और इस बार पैमाना था साफ सफाई। जब हमने अस्पताल परिसर में साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया, तो हमें अपने किए पर पछतावा होने लगा। हमें यह महसूस होने लगा कि हमने अपनी आवेश की प्रकाष्ठा पर पहुंचकर गलत ही दिशा में डॉक्टर विनय और राजू प्रधान से ताबड़तोड़ दवाइयों की कमी को लेकर सवाल पूछ लिए, क्योंकि यह अस्पताल किसी भी मरीज के इलाज करने की स्थिति में ही नहीं, इसे तो खुद इलाज यानी मरम्मत की आवश्यकता है, क्योंकि अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। साफ सफाई और इस अस्पताल का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे में अब सवाल यह उठता है कि बीमार लोगों का इलाज करने वाला यह अस्पताल जब खुद ही बदहाल स्थिति में है, तो इलाज पहले किसका किया जाए, अस्पताल का या मरीज का? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि चाहे इलाज अस्पताल का हो या फिर मरीज का, इलाज और मरम्मत करेगा कौन, या फिर करेगा तो कब तक?